你把事情考虑重要了。All right.
हम लोग सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक ब्यूटीफुल कॉज के लिए फोटोशूट हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी, तो आप बताइए कि क्या फील करते हैं जब भी किसी भी कॉज के लिए आप जुड़ते हैं। सॉरी, किसके लिए? ये एक कॉज के लिए। कॉज के लिए, राइट 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 राइट। किसी कॉज के साथ जुड़ते हैं, राइट, तो क्या फील करते हैं आप? मेरी सबसे पहली फीलिंग ये होती है जब भी मैं किसी कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो ये फीलिंग होती है दैट मैं सोसाइटी को पे बैक कर रहा हूँ। पे बैक इन द सेंस, सोसाइटी ने जो मुझे दिया है आज तक, प्यार, ब्लेसिंग्स, एनकरेजमेंट, एक्सेप्टेंस, वो उस चीज़ को मैं कभी पे बैक नहीं कर पाऊँगा। तो ये बीच बीच में ऐसे मौके मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है हमें एज एक्टर्स, जहाँ पे हम पे बैक कर पाते हैं। सो ये जो कैलेंडर शूट है, ये एक सोशल कॉज के लिए है, जैसे कि आप जानते ही हैं। सो मैं यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सोसाइटी के लिए कुछ, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी का, जब मैं सोसाइटी बोलता हूँ, सोसाइटी का मतलब है फैंस, व्यूअर्स, वो सारे लोग जो एक्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्यार देते हैं, सारे फैंस वो हमें इतना प्यार देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी पे बैक करें। तो हम इस तरह से पे बैक करते हैं, सोशल कॉज के लिए शूट करके, कंट्रीब्यूट करके। एंड फोटोशूट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आपका ही टर्न है, क्या बताइए? हाँ जी, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसे लुक में मैं आज से पहले कभी दिखा नहीं हूँ। एज एन एक्टर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ एंड ऑडियंस को वैरायटी दूँ। ये ना हो कि उन्होंने पहले भी मुझे ऐसे अवतार में देखा है, तो रिपीटिटिवनेस से बोर हो जाते हैं ऑडियंसेस। सो हमारी यही कोशिश थी कि इस बार मैं अलग दिखूं, तो लोगों को वैरायटी मिलेगी एंड दे विल लाइक माय लुक। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू अभिनव, हु इज़ अ डिज़ाइनर, हियर ही कम्स। सो अगर आपको मेरा लुक अच्छा लग रहा है, इसका पूरा क्रेडिट, आज मैं अगर अलग दिख रहा हूँ in a never before seen avatar, the entire credit goes to this man Abhinav, who is a fantastic designer, not just a fantastic designer but a fantastic human being also, kyunki aap sab jante hain ki ye koi mamooli calendar shoot nahi hai, it's a calendar shoot with a cause. So bahut kam aise log hai jo society ke bare mein sochte hain, jo women empowerment ke bare mein sochte hain। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन हर इंसान इनकी तरह सोचने लग जाएगा हमारे देश में, हमारी दुनिया में, सो ये दुनिया, ये देश एक, इट विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो ही इज़ द मैन ऑफ द आवर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट में आपने सर को प्रेजेंट किया, yeah. Like mix cocktail लग रहा है मुझे। yeah. आप थोड़ा सा बताइए कि see, my theme was the cocktail look and I gone through his profile. I know I was following him since long, so I know what kind of looks he is carrying in past and I wanted to give him the different look. That's the only one I have chosen this color, the attach. There is my very close friend designer Nitin Singh. He has also decided the look and I styled him in the way he wanted and now you guys can see he's looking very killing one of the best artists he is. And ये social cause का ये जो जुम्मा आपने उठाया है, see actually I'm into this fashion industry since ages. Oh, it's been almost 13 years. From the last 2-3 years I was thinking about this social cause. Last year also I wanted to do this calendar shoot but I was quite occupied for other project. But this year I made my mind and मुझे ये शो करना ही है। और सोशल कॉज इज लाइक वॉइस ऑफ नो वॉइस, बिकॉज आई वॉन्ट कि एवरी गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट, शी शुड नॉट बी, बिकॉज वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी बट वी नेवर गिव दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी टू द वुमेंस। सो दिस इज़ अ इनिशिएट विच आई हैव टेकन, लेट्स सी इट्स अ ऑल गॉड ब्लेसिंग एंड ऑल हाउ फार आई विल गो विद द कोर्स, बट माई इंटेंशन इज रियली गुड टू गिव द रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी थिंग्स थ्रू माई वर्क, बिकॉज I am into glamour field and I have seen the in and outs about the industry. So it's just like to save child girls, empower them and educate them. Yeah. बहुत ही अच्छी बात कही आपने। बहुत ही अच्छी बात, मतलब ऐसे लोगों की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बिकॉज एक एक्टर के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। अब आप जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपके ज़रिए हम ऑडियंसिस तक पहुँचते हैं, व्यूअर्स तक पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। आज जो हम कर रहे हैं,
अगर ये ऑडियंसिस तक ये बात पहुँचेगी नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो वैसे ही ये कुछ बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं जो ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं। सो मैं जब जब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, आई विल बी देयर टू बैक देम एंड टू एनकरेज देम। मैं ऑनेस्टली कोई भी फिक्स पोज नहीं होता है। मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत ही स्पॉन्टेनियस हूँ। जब मैं अपने शो में भी सीन्स परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को एक्टर्स मुझसे यही पूछते हैं कि तुम क्या बोलने वाले हो, या हमारे बोलने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगे या क्या बोलोगे। तो ऑनेस्टली मैं उनसे यही कहता हूँ कि माफ़ करिए, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन। और एज एन आर्टिस्ट मैं जो वाइब होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको अडेप्ट करके फिर रिजल्ट देता हूँ। तो अभी ये जो मैंने आउटफिट पहना है, इसमें मैं जो फील कर रहा हूँ, प्लस जिस माप पे मुझे यू नो कैप्चर किया जाएगा, फोटोग्राफर की क्या रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइनर की क्या रिक्वायरमेंट है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट मैं रिजल्ट दूंगा।